हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस। लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हमारे सामने एट रैंडम, और इसका मतलब होता है विदाउट एनी एम और टारगेट। इजी एट रैंडम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एड फ्यूल टू द फायर मींस वर्सन द मैटर। कहते हैं ना वो आग में घी डालना, कुछ लोग होते हैं ना आस पड़ोस में आग में घी डालने का काम करते हैं। एड फ्यूल टू द फायर, चाची मामी ताई कभी कभी ऐसा कर देती हैं, तो कहते हैं ना कि वो तो हमेशा आग में घी डालती है। शी ऑलवेज एड्स फ्यूल टू द फायर। इजी है, हो जाएगा यार। नेक्स्ट है कीप एन ओपन हाउस। कीप एन ओपन हाउस मींस वेलकम ऑल द मेंबर्स, यानी घर को खुला रखो, आइए पधारिए। ठीक है, हो जाएगा कीप एन ओपन हाउस, घर को खुला रखो और सबका वेलकम करो। ओके, तो कीप एन ओपन हाउस का मतलब वेलकम ऑल द मेंबर्स। नेक्स्ट देखिए, फाइट टूथ एंड नेल, इट मींस फाइट विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, मतलब पूरी ताकत से लड़ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि कोई किसी के दांत तोड़ देता है, टूथ और कोई नेल। हाँ, अब आप घर में मत कर लेना, कभी कभी हो जाती है ना। फाइट विद फुल फोर्स। ओके, तो फाइट टूथ एंड नेल मींस फाइट विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी। नेक्स्ट है हमारे सामने अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इट मींस अ कंप्लीट सरप्राइज। आप कैसे करोगे, अगर कोई इंसान आपके लिए एक ब्लू कलर का बोल्ट ले आता है तो आपके लिए सरप्राइज, कंप्लीट सरप्राइज हुआ कि नहीं हुआ। कभी तुम ऐसा सोच सकते हो कि आपके बर्थडे में कोई भी एक बोल्ट लेकर आए, बोल्ट होते ना नट बोल्ट, वो भी ब्लू कलर का, तो ये कैसा सरप्राइज होगा आपके लिए, अ कंप्लीट सरप्राइज, हो जाएगा यार। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने टू गेट इनटू द वाटर, इट मींस टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में आना। इजी है भाई, अगर आप पानी में फंस जाओ तो परेशानी में ही आ जाओगे ना। या फिर कह सकते हो कि आपने अच्छे कपड़े पहने और पानी भरा हुआ था रास्ते में, अब तुम उसी में ही गिर गए, अब ना तुम शादी में जा सकते ना घर बीच में फंस गए। ठीक है, टू गेट इनटू द वाटर मींस टू गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है डाउन इन द डम्प्स, इट मींस sad and depressed. Down in the dumps means sad and depressed. याद हो जाएगा, easy है। Don't get down in the dumps. Easy. और एक दो sentence आप बनाए, सबसे अच्छा तरीका है आप utilize करना शुरू कर दें। ठीक है, next look sharp means pay attention. Look sharp, जब आप कोई भी चीज सीखे या देखे तो कैसा कहते ना, pay attention, look sharp, अच्छी तरह से उसको देखें। Easy है, look sharp means pay attention. Next है swang song, it means last prayer at funeral or farewell. तो आप कह सकते हो swan, जानते हो हंस, तो जब last last prayer होती है ना funeral में या फिर farewell में, तो कौन कौन गाना गाता है आकर, swan, हंस आके पहले वो गाना गाता है, या फिर आप गाना गाते हो, गाना होता है ना एक हंसनी मेरी हंसनी। ठीक है, हो जाएगा swan song। ठीक है ना, लास्ट प्रेयर एट फ्यूनरल और फेयरवेल। नेक्स्ट हमारे सामने लेज आउट, इट मींस टू स्पेंड मनी। अब कैसे याद करेंगे, देखिए खर्च करना, पैसा खर्च करना। लेज एक चिप्स आता है, लेज चिप्स आता है, बस आउट। जब भी तुम आउटिंग पे जाते हो तो सबसे ज्यादा क्या खाते हो, उसी में सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करते हो, लेज चिप्स पर। ठीक है, लेज आउट मींस टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट हमारे सामने कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ मींस लिव विद इन द मींस, विद इन वंस मींस, इट मींस कहते हैं ना, एक कहावत है हिंदी में कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ठीक है, तो मतलब वही है इसका मतलब कि कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, जो आपके पास है ना बस उतना ही, उसी में आप संतुष्ट रहे, हो जाएगा यार कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने राइड्स द हाई हॉर्स, इट मींस फील सुपीरियर। ठीक है, अपने आपको सुपीरियर समझना या महसूस करना। तो आपने देखा होगा शादी होती है हमारे यहाँ तो घोड़े पे बैठता है लड़का, हाई हॉर्स पे सबसे ऊंचा होता है और घोड़े पे बैठा होता है, अपने आपको क्या समझ रहा होता है, अजीम शान शहंशाह, सुपीरियर समझ रहा होता है। देखना, तभी तो कहते हैं एक दिन का राजा बनता है और राजा की तरह ही लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने आपको क्या समझ रहा होता है, फील सुपीरियर, एकदम उसके दिमाग में यही होता है, और दूसरे दिन कोई नहीं पूछता उसको। ठीक है, ओके, राइड्स द हाई हॉर्स मींस फील सुपीरियर। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने अ केक वॉक मींस एन इजी अचीवमेंट, मतलब कोई भी आपकी उपलब्धि जो बहुत आसानी से मिल गई हो उसको क्या बोलते हैं, अ केक वॉक। अब कैसे याद करोगे, जब आपको बर्थडे होता है
तो मम्मी कहती ना बेटा केक काट ले, बुलाती नहीं बुलाती। तो जब वो आप चलकर आते हो वो एक इजी अचीवमेंट होता है, क्यों? क्योंकि केक मम्मी ने तैयार किया यानी मंगवाया, पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी किया, तो मैं क्या है बहुत इजी अचीवमेंट मिल गई, सिर्फ आया और आपने केक को कट किया। ठीक है ठीक है, तो केक वॉक, तो आपकी वॉक वो इजी होगी नहीं होगी ये बताइए, वहां से यहां तक आने के बाद आपको वॉक ही तो करना है और आपने केक को कट कर दिया, इजी वॉक। ठीक है, क्या आएगा? अ केक वॉक इट मींस एन इजी अचीवमेंट, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब इस दुनिया के बिल्कुल विपरीत कोई चीज हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, इजी याद हो जाएगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है स्वीप अंडर द कार्पेट टू हाइड समथिंग, कैसे याद करेंगे? देखिए स्वीप मींस झाड़ू लगाना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई छिपाना होता है कोई चीज, तो हम क्या करते हैं कारपेट उठाया और झाड़ू से सरका दिया, ऐसा करते नहीं करते? हाँ, तो स्वीप अंडर द कारपेट मींस टू हाइड समथिंग। ठीक है, चलिए एक बार इनको देख ले फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों, देखें वैसे तो बहुत आसान है। यस फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि सारे idioms और phrases याद हो गए होंगे, इनको यूटिलाइज करें स्पीकिंग में भी और कुछ सेंटेंसेस बनाएं, और कुछ सेंटेंसेस बनाकर आप कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर दें। ओके, एंजॉय करें, ऑल द बेस्ट।